बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर्शियल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुजर रहा था तो यहाँ पे एक फूड पे मेरी नज़र पड़ी। इस फूड का नाम ताज़ो फूड है। ये ताज़ो फूड इतना ताज़ो होता जा रहा है कि कमर्शियल में इसकी बड़ी धूम है, तो मैंने कहा क्यों ना इसका आपको एक वीडियो व्लॉग बना के दिया जाए। तो कमर्शियल में पहलवान मुर्ग पुलाव के साथ ही ताज़ो फूड है, तो इसका एक वीडियो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ताज़ो फूड्स की क्या बात है। ताज़ो फूड्स जो कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल है, आपको मुख्तलिफ फ्रोज़न फूड्स की जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इनके पास मुख्तलिफ फ्रोज़न फूड्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। फ्रोज़न फूड्स की क्वालिटी की बात की जाए तो इनके पास सॉस रेंज, चीज़ रेंज, चिकन रेंज, बेकिंग रेंज, बटर रेंज और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की फ्रोज़न फ्राइज वगैरह मौजूद हैं। सी फूड रेंज की बात की जाए, इसके अलावा देसी घी की बात की जाए, तो इस तरह की मुख्तलिफ जो फ्रोज़न फूड्स वगैरह हैं वो इनके पास मौजूद हैं। ताज़ा फूड की इस कमर्शियल मार्केट ब्रांच में जो इनके पास फ्रोज़न फूड्स मौजूद हैं उनको मैं अब डिस्प्ले करके इसी वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा। अब इनके पास जो फ्रोज़न फूड है उनको मैं एक एक करके डिस्प्ले करके आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सबसे पहले चिकन शामी कबाब की क्या बात है। चिकन शामी कबाब इनके बहुत मशहूर हैं। आप आगे लेके जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप बनाएंगे तो कितने मज़े के हैं। उसके बाद ये चिकन चीज़ रोल्स हैं, ये भी उसके मुकाबले के ही हैं। और आगे बात की जाए तो ये चिकन नगेट्स हैं, बड़े मज़े के हैं। नेक्स्ट जो इनका फ्रोज़न फूड है, मुझे उम्मीद है वो आपका बड़ा फेवरेट होगा, और वो चिकन समोसा है। वो भी आप यहाँ पर आगे परचेज़ कर सकते हैं। अब अगर पिज़्ज़ा की बात की जाए, ख़ुद घर में बैठ के आप बनाना चाहते हैं तो पिज़्ज़ा चीज़ भी इनके पास मौजूद हैं। इनके साथ चेडर स्लाइस, चेडर ब्लॉक, मोज़रेला ब्लॉक, इस तरह की फैसिलिटीज़ भी इनके पास फ्रोज़न फूड्स में अवेलेबल हैं। क्रीम चेडर चीज़ ब्लॉक की भी फैसिलिटी इनके पास मौजूद है, वो भी आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो हर तरह के फ्रोज़न फूड्स के साथ ये डील करते हैं। फ्रोज़न फ्राइज़ को कैसे भूल सकते हैं, फ्रोज़न फ्राइज़ भी ये आपके सामने मौजूद हैं। कैन रेंज की बात की जाए तो कैन रेंज में इनके पास मशरूम्स, स्वीट कॉर्न, जेलपिनो, पिज़्ज़ा सॉस, मायो और देसी घी, इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनके पास इजीली अवेलेबल है। कबाब को हम कैसे भूल सकते हैं, चिकन कबाब की फैसिलिटी भी इनके पास मौजूद है, और इसके साथ जो है वो डेली रेंज, ये चार प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इनकी कैटेगरी है वो मेरी तरह आप सबके भी फेवरेट होगी, और वो सी फूड की है। सी फूड में लार्ज प्रॉन्स इनके पास यहाँ पर ईजीली अवेलेबल है, और उसके अलावा बात की जाए तो इनके पास फ़िश फिंगर्स बोनलेस मौजूद हैं, इस तरह की जो स्पेशलिटी ये रखते हैं। और साथ साथ ये आप कबाब भी डिफरेंट देख सकते हैं। तो फ्रोज़न फूड्स में ये सी फूड की जो फैसिलिटी थी वो मैंने, हनी और ब्लैक ऑलिव्स भी इनके पास मौजूद हैं, वो भी आप यहाँ पे आगे इजीली परचेज़ कर सकते। उम्मीद है ये मेरा ताज़ा फूड्स का जो वीडियो व्लॉग है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।